केदारनाथ धाम एक ऐसा धाम है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। इसके लोकप्रियता व प्रसिद्धि को देखकर हर किसी के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर केदारनाथ मंदिर इतना रहस्यमय क्यों है। केदारनाथ मंदिर भगवान के होने का प्रमाण देता है। इस वीडियो के देखने के बाद शायद कोई ही ऐसा होगा जो कहेगा कि भगवान नहीं होते हैं। इसलिए आज हम केदारनाथ मंदिर से जुड़े एक दो नहीं बल्कि 10 ऐसे रोचक तथ्य आपके साथ साझा करेंगे जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आए, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ पर स्थित शिवलिंग है। यह शिवलिंग त्रिकोण के आकार का एक बड़ा पत्थर है जिसे भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। यह शिवलिंग मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक के जो धरती में से प्रकट हुआ है। इस शिवलिंग के निर्माण के पीछे महाभारत के समय काल की पांडव और भगवान शिव से जुड़ी कथा प्रचलित है। मान्यता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो इस युद्ध का रक्त संहार को देखकर भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो गए थे, इसलिए वे केदार यानी हिमालय की पहाड़ियों में चले गए। तब पांडव पाप मुक्त होने के लिए भगवान शिव को खोजते हुए केदार जा पहुँचे, परंतु भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शंकर ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को भी संदेह होने लगा था कि भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया है। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दो पहाड़ों पर अपना पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर रूपी बैल पैर के नीचे जाने को तैयार न हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम बैल की त्रिकोणात्मक पीठ वाला भाग पकड़ लेते हैं, जिस कारण वह भाग वही रह जाता है। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए और पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। नंबर 1, केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ पर स्थित शिवलिंग है। यह शिवलिंग त्रिकोण के आकार का एक बड़ा पत्थर है जिसे भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। यह शिवलिंग मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक के जो धरती में से प्रकट हुआ है। इस शिवलिंग के निर्माण के पीछे महाभारत के समय काल की पांडव और भगवान शिव से जुड़ी कथा प्रचलित है। मान्यता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो इस युद्ध का रक्त संहार को देखकर भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो गए थे, इसलिए वे केदार यानी हिमालय की पहाड़ियों में चले गए। तब पांडव पाप मुक्त होने के लिए भगवान शिव को खोजते हुए केदार जा पहुँचे, परंतु भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शंकर ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को भी संदेह होने लगा था कि भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया है। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दो पहाड़ों पर अपना पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर रूपी बैल पैर के नीचे जाने को तैयार न हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम बैल की त्रिकोणात्मक पीठ वाला भाग पकड़ लेते हैं, जिस कारण वह भाग वही रह जाता है। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए और पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। नंबर 2, केदारनाथ पंच केदार में से एक होने के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक ज्योतिर्लिंग है। दरअसल एक समय में नर व नारायण इस जगह पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने दोनों को दर्शन दिए। इसके बाद शिव ने अपने एक रूप को हमेशा इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का आशीर्वाद दोनों को दिया। उसके बाद केदारनाथ का स्थान ज्योतिर्लिंग में भी सम्मिलित हो गया। हैक नंबर 3, केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों, शिला खंडों से किया गया है। इन शिला खंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया। इसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। केदारनाथ स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतने विशाल शिला खंडों को पहुँचाना व फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मनुष्य के लिए सक्षम नहीं दिख। मंदिर निर्माण का यह अद्भुत रूप इसे और रोचक बना देता है। हैक नंबर 4, केदार मंदिर भक्तों के लिए केवल 6 माह तक ही खुलता है। मई की अक्षय तृतीया के दिन इसे खोला जाता है व दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा में इसे बंद कर दिया जाता है। उसके बाद मंदिर के कपाट 6 माह तक बंद रहते व भगवान शिव के प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे अखिमठ में स्थापित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस समय वहाँ पर भीषण बर्फबारी होती है। इस कारण वहाँ के स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, प्रशासन के अधिकारी व अन्य लोग वहाँ के नीचे रहने चले जाते हैं। इस दौरान केदारनाथ जाने के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं और यह स्थल पूरी तरह से सुनसान रहता है। हैक
नंबर 5 केदारनाथ के मुख मंदिर से आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक मंदिर है जिसका नाम है श्री भैरवनाथ मंदिर। भैरवनाथ को इस क्षेत्र का रक्षक कहा जाता है जिसके द्वारा केदारनाथ मंदिर व इसके आसपास वाले स्थानों की सुरक्षा की जाती है। जो कोई भी केदारनाथ की यात्रा पर जाता है उसका इस भैरव मंदिर में दर्शन करना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। सदियों से बाबा भैरवनाथ के द्वारा ही केदारनाथ की सुरक्षा व पूजा की जाती है, जो अपने आप में एक रहस्य है।